अयोध्या सूर्य इंद्र मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक विकास सिंह द्वारा अपने पिता स्वर्गीय सूर्य इंद्र देव के छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों गरीबों महिलाओं की मदद करने के उद्देश्य से कृत्रिम जूते ट्राइसिकल रिक्शा ठेला व सिलाई मशीन का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास तिवारी मंदिर अयोध्या के महंत गिरीशपति त्रिपाठी के साथ साथ गोसाईगंज विधायक खब्बू तिवारी के साथ जनपद के तमाम अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक विकास सिंह ने बताया कि वह अपने पिताजी के श्राद्ध दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष समाज के गरीब तबके लोगों की मदद करते आए हैं। इस वर्ष यह छठा आयोजन है। उन्होंने कहा कि इस बार कुल 410 गरीब दिव्यांगों महिलाओं का चयन करके उनको सिलाई मशीन जूते ट्राइसिकल ठेला व रिक्शा इत्यादि वितरण किया गया है। उनका कहना कि उनकी ट्रस्ट हमेशा से ही समाज द्वारा उपेक्षित एवं गरीब की मदद के लिए प्रतिबद्ध है जो अनवरत जारी रहेगा। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में शामिल महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। इस कार्यक्रम के आयोजक विकास सिंह को मैं बधाई देता हूँ। श्राद्ध दिवस पे करता हूँ। ये इस कार्यक्रम का छठवां बरस है। अभी तक जो हमारा उद्देश्य रहा है हमारी संस्था का कि जो समाज के दिव्यांग जन हैं जिनको अपने घर में भी बोझ समझा जाता है उनका मनोबल बढ़ाना, जो गरीब सिलाई कार्य में दक्ष महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, जो नौजवान हैं जिनके पास भूमिहीन है उन नौजवानों को ठेला रिक्शा वितरित करके उनका जीविका का साधन उपलब्ध कराना और जो दिव्यांग है उनको व्हील चेयर ट्राईसाइकल कैलिपर वाकर और बैसाखी देके हम लोग उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। कुल संख्या 410 के करीब है। अब ऐसे किसको कितना जाना जा रहा है ये मुझे पूरा, ये हमारे साथी बंटी भाई को ज़्यादा बेहतर जानकारी रहती है। 410 पात्रों का चयन हुआ इस बार। विकास सिंह जी के द्वारा ये देवी भव्य आयोजन हुआ है। अयोध्या के गणमान प्रसिद्ध संत महात्मा आए हुए हैं। भारी जनता यहाँ आई हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव समर्पित करने के लिए। वास्तव में ऐसे पुरुष समय समय पर ही जन्म लेते हैं जो देश में समाज और राष्ट्र की सेवा करते हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनके कार्यों को धन्यवाद देते हैं, उनके उत्तराधिकारियों को धन्यवाद देते हैं।